पर दिन जितेंद्र कुमार राजवी हेड कांस्टेबल हूँ अहमदाबाद सिटी में और ईसनपुर पुलिस स्टेशन में मैं फरंट बजाती हूँ। और कौन सी गाड़ी आई है खासतौर से महिलाओं के लिए, कब दी गई है, क्या सुविधा है? पहली हमारी गाड़ी दी थी एक महीने पहले और ये सेकेंड गाड़ी है जो अहमदाबाद सिटी में जो भी बनाव बनते हैं महिलाओं के खिलाफ उनको रोकने के लिए ये हमें इश्यू की गई है। हम पूरे हमारे पुलिस स्टेशन विस्तार में हम लोग घूमते हैं जहाँ पर स्कूल होती है, कॉलेज होती है और बाग है, बगीचा है, गार्डन है, कहीं भी हम लोग पूरी टीम के साथ 5 लड़कियाँ हैं हम यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में जो ये गाड़ी में हम पेट्रोलिंग करते हैं और जहाँ भी महिलाएँ जॉब करती है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट जॉब करती है, फैक्ट्री में काम करती है वर्कर, उन सबको हम जाके मिलते हैं और सी टीम के बारे में हम उनको सबको बताते हैं कि सी टीम में आप हमारा कांटेक्ट करिए, हमारा हम पर्सनल नंबर भी उनको देते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आके हमें कॉल करके भी बता सकती है या पुलिस स्टेशन आके भी बता सकती है। अहमदाबाद के कितने पुलिस स्टेशन में ऐसी सुविधा उपलब्ध है? पूरे पुलिस स्टेशन में, सब पुलिस स्टेशन में ये सुविधा है गाड़ी की। इसके लिए कौन सी ऐप वगैरह कोई है? हेल्पलाइन यानी सी टीम ही है उनका, जैसे सीपी साहब ने वहाँ से हमको सी टीम के लिए यूज़ किया है, पुलिस स्टेशन से हमको पोस्टिंग किया है। गरीब पुलिस स्टेशन में 5 लड़कियाँ काम करती है और हम 5 लड़कियों को और कुछ काम करने का नहीं होता पुलिस स्टेशन में, ओनली फॉर हमको ये गाड़ी में बैठ के पूरा पेट्रोलिंग करना पड़ता है और जो भी जगह पे हम जाते हैं महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी में भी जाते हैं हम, क्लासेस में जाते हैं जहाँ लड़कियों क्लासेस में पढ़ाई करती है, ट्यूशन क्लास है। सील टीम में कितनी पुलिसकर्मी अप्लाई की जाती है, कितनी की पोस्ट है? एक हेड कांस्टेबल है और 3 महिला कांस्टेबल है। कब से शुरुआत हुई है इसकी? ये अभी 7वें महीने में जुलाई से स्टार्ट हुआ है ये। तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम पुलिस स्टेशन की और जो सरकारी गाड़ी है वो यूज़ करते थे, फिर अभी 2-1.5 महीने पहले हमको ये गाड़ी यूज़ की दी है सीपी सर ने और अभी आज के दिन हमको सेकंड गाड़ी दी है। लेकिन हमको सिर्फ यही काम करना है जो हैदराबाद में जो बनाव हुआ उस हिसाब से अभी अपने अहमदाबाद सिटी में ऐसा कोई बनाव ना बने और महिलाओं को जब भी कुछ आधी रात को भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमारा पर्सनल नंबर या पुलिस स्टेशन या कॉल करके कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करके बता सकती हूँ, वहाँ कंट्रोल वाले हमको पुलिस स्टेशन से मैसेज देते कि ये ऐसा बनाव हुआ है, ये लड़की को परेशान कर रही है, ससुराल वाले हैं, ये क्लास में कोई लड़का किसी लड़की को फॉलो कर रहा है, स्कूल में कोई लड़की को छेड़ रहा है आते जाते, स्कूल में भी पेट्रोलिंग करते हैं, क्लासेस पे भी पेट्रोलिंग करते हैं, सब्जी मार्केट सभी जगह पे हम पेट्रोलिंग करते हैं और जो भी उनको प्रॉब्लम होता है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। कितना कामयाब हुआ है, कितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को इस? फ़ायदा तो ऐसे बताएं तो बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि लड़कियां अपनी अमुक बाबत जो है जो अपने समाज के हिसाब से वो लोग सोचते हैं कि मैं घर पे बताऊंगी या किसी को बताऊंगी फैमिली में तो हमारा पढ़ाई करना बंद करवा देंगे, क्या सब उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था। अभी जब हम जाके हर एक स्कूल में और कॉलेज में जाके हम उनको हमारी सीटिंग के बारे में बताया, हम गार्डन में भी जाते हैं जहाँ महिलाएँ योगा वगैरह करने आती हैं, उन सबको हमने बताया कि ऐसा ऐसा है और हम ऐसे सीटिंग में काम करते हैं ईसनपुर पुलिस स्टेशन में, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आते जाते रास्ते में कोई छेड़। एवरेज एक दिन के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम से वुमन हैरेसमेंट की कितनी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, कुछ उसका अंदाजा है? महिला हैरेसमेंट के लिए ऐसे पुलिस स्टेशन में आती है, जैसे हम यहाँ ड्यूटी करते हैं हमारे सीट अभी तो हम सी टीम में ही काम करते हैं, तो अभी तक की पुलिस स्टेशन के हिसाब से देखो तो अभी तक के हम 10 केस ऐसे हैं जो महिलाओं ने हमने पर्सनल मोबाइल नंबर पे हमको कॉल किया है और हमने उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है। ओके, और ओके, ओके।